राजनीतिक दलों की ओर से वोटरों को लुभाए जाने की कवायद जारी है। और दिलचस्प ये भी है कि जो पुरानी पहचान के लिए पार्टियां जानी जाती रही हैं, अब उस पहचान को बदलने पर भी लगातार पुरजोर तरह की कोशिश उनकी ओर से की जा रही है। इन सबके बीच बड़ी खबर आपको दे देते हैं। चुनाव आयोग से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुलाकात की है और जिस तरह की चुनावी हिंसा इस वक्त पश्चिम बंगाल में हो रही है उसको लेकर ममता बनर्जी को नोटिस भेजने की मांग की गई है। आपको बता दें, चुनावी हिंसा पर टीएमसी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इन सबके बीच बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और ममता बनर्जी को नोटिस भेजने की मांग की गई है। भूपेंद्र यादव ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है, सुनिए। बंगाल के इस चुनाव में वहां की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी के द्वारा चुनाव कैंपेन ना करके मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन किया जा रहा है। चुनाव आयोग के ऊपर उनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं जो झूठे हैं और मनगढ़ंत। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के बारे में और विशेष रूप से केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के बारे में वो लगातार झूठा प्रचार कर रही है। उनका ये कहना कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पे काम कर रहा है, ये चुनाव आयोग का अपमान है भारत की। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।